नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस नई वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं एक नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं बीएड एडमिशन से रिलेटेड। इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉल्स और क्वेरीज आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, बीएड के रिगार्डिंग लोग ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों। तो मैं आज पूरा बीएड का पूरा जो आपको प्रोसेस बताऊंगा कि बेसिकली बीएड में हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे आप लोगों को हेल्प करते हैं। अगर आप बीएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आप एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। बेसिकली हम लोग जो डील करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ डील करते हैं, इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आपको बिल्कुल भी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये 1956 की स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। इस टाइम बीएड के काउंसलिंग प्रोसेस चल रहे हैं। फर्स्ट काउंसलिंग की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 26 अगस्त ही जो कि निकल चुकी है, ठीक है दोस्तों। इस बार तो बीएड में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। इस टाइम यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, बहुत ज़्यादा लोग बीएड की एडमिशन की बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बीएड का जो प्रोसेस है वो अब 4 साल का होने जा रहा है। तो ये जो है ये लास्ट ईयर है जिसमें बीएड 2 साल की हो रहा है, नेक्स्ट ईयर बीएड की कोई एडमिशन नहीं होने वाली है। तो लोगों में एक हंगामा समझ गया है, ग्रुप बहुत ज़्यादा हंगामा समझ गया है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया है कि बीएड करनी है। इस टाइम कॉलेजेस की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इस टाइम जो कॉलेज है मुँह मांगी कीमत पर एडमिशन करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा फीसेज वगैरह चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। कॉलेजेस के पास एक लिमिटेड सीट्स हैं, वही कॉलेजेस पहले सीटें भरती नहीं थी, तो लोग बड़े आराम से ही जहाँ फीस का मतलब लाख रुपए है तो उसमें कम में भी कराते थे, 80,000 में, 90,000 में भी कराते थे। बट इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, फर्स्ट काउंसलिंग का जो प्रोसेस था 26 अगस्त लास्ट डेट थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें आप क्या करते हो, पहले अपना कॉलेज की सारी रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और काफ़ी जटिल है, परेशान होने वाला प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपरली बच्चों को गाइड करते हैं, उनका सारा एडमिशन वगैरह ऑनलाइन कराते हैं, उसके बाद उनको रिस्पेक्टिव कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और दोस्तों, ये जो सारे कॉलेजेस हैं वो सारे एफिलेटेड हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो कॉल्स आते हैं, कई बार यूपी से कॉल आ रही है, बिहार से कॉल आ रही है, बहुत दूर दराज के गांवों से कॉल आती है, तो लोग है ना डरते हैं। राजस्थान से बहुत कॉल्स आती हैं हमें, तो वो लोग डरते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं क्या है, कौन है, पता नहीं कैसे हैं, एडमिशन होगी नहीं होगी, कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। कोई दोस्तों, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा चैनल बनाया हुआ है ऑनलाइन, आप जाइए फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपको हर जगह हमारी डिटेल्स मिलेंगी। और हम लोग एजुकेशन फील्ड में बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्सेज पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वी आर नॉट इन स्पेसिफाइड इन द लिमिटेड, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो डरिए मत दोस्तों, घबराइए मत। और जो हमारे नंबर्स हैं लाइक 8950268710, इस पर आप मिस कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, 9729199040 और 7087907020, इसमें जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम लगा रखी है दोस्तों। पहले सिर्फ एक नंबर पे काम होता था, अभी हमने नंबर्स बढ़ाए हैं क्योंकि पूरे देश भर से कॉल आ रही है, उनको सर्व करना, कई बार लोग घबरा जाते हैं। आपने एक बार कॉल किया, फीस वगैरह डिपॉजिट कर दी तो डर जाते हैं, 2 दिन फोन ना उठाओ, डर जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि पूरे देश भर से कॉल आता है, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिए और बिल्कुल भी घबराइए मत। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उसको व्हाट्सएप पे डालिए और बिल्कुल पैनिक मत क्रिएट कीजिए दोस्तों। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो राउंड था, फर्स्ट राउंड जो हुआ था दोस्तों, मैं एक बार आपको बता देता हूँ चेक करके। फर्स्ट काउंसलिंग की जो लिस्ट आई थी, फर्स्ट राउंड 30 अगस्त को लिस्ट आई थी, और उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट आई वो 8 अगस्त को आ चुकी है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस जो है वो फटाफट हो रहा है और जैसे जैसे महीना निकल रहा है, एडमिशन प्रोसेस अभी सितंबर में चल रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ना थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले कर रहे हो ना, तो जो आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे वो कॉलेज नहीं मिलेगा। अब सपोज़ करो आपने नियर बाय कॉलेज सर्च किया है, अब फिर वो कॉलेज आपको दूर मिलेगा, कहीं आपकी पसंद का नहीं मिलेगा। कॉलेज तो अफिलेटेड ही रहेगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही रहेगा, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन एक चॉइस ऑफ कॉलेज होता है, फिर वो नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे जी कि गड़बड़ हो गई है, हमें वो कॉलेज नहीं मिला। तो आप जो डिले कर रहे हो ना दोस्तों, उसकी वजह से होता है। और दूसरा, वो आपकी परसेंटेज पे भी डिपेंड करती है। दूसरा, मैं ये बता दूं कि हरियाणा में मिनिमम टू मिनिमम 50% जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 50% चाहिए बीएड में एडमिशन कराने के लिए, और जो बाकी कैंडिडेट्स लाइक एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 45% चाहिए बीएड में एडमिशन कराने के लिए कम से कम। जो अदर स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स की एडमिशन कम से कम हमें 50% चाहिए एडमिशन कराने के लिए, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल। तो कई बार लोग डरते हैं कि उनके साथ गलत ना हो जाए, घबराते हैं। तो मैं आपको एकदम स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि जो हरियाणा के अलावा जो हमारे यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, तो उनकी एडमिशन हरियाणा में नहीं हो सकती, उनकी उन्हीं के स्टेट में
जहाँ पे वो जहाँ से उनका डोमिसाइल है वहीं पे एडमिशन होगी। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग एक दूसरे को मिलकर इस देश को आगे ले चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। अगर आपके कोई भाई बंधु हैं, वीडियो आपके काम की नहीं है, तो कोई ऐसा होगा आपकी जो मदर्स होंगी, सिस्टर्स होंगी, या किसी की वाइफ होगी जिन जो इस टाइम बीएड करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो लोग कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था, और अब जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया है 2 महीने 4 महीने 6 महीने से, तो हमें बहुत कुछ पता लग गया है हर चीज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबाइए, बेल आइकन है, मेरी फर्स्ट वीडियो डेली वीडियो आती है दोस्तों, कनेक्टेड रहिए ताकि आप लोग हम लोग एक दूसरे को मिलके एजुकेट कर सकें। देखिए बेसिकली क्या है कि जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो है एजुकेशन। देखो पैसा आप भी कमा रहे हो, पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन जो एक ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, काम करने का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सही होना चाहिए। आप गलत तरीके से पैसा मत कमाइए, ताकि क्या होता है कि वो पैसा ना आपके काम आएगा और जिसका आपने पैसा गलत तरीके से लिया है वो उनके भी काम नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस देश को हेल्प कीजिए, हम लोग एक दूसरे को सर्व करें, मिलके इस देश को आगे लेके चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।